स्वामी जी, एक बात हम सभी दर्शकों की तरफ से भी जानना चाहेंगे कि ये है समस्याएं, हम समझ रहे हैं, और जैसा आपने कहा कि अगर हम आध्यात्मिकता के रास्ते पर और अपनी शक्तियों को पहचानेंगे तो खुद को स्ट्रांग करते जाएंगे, लेकिन आज जिस मुकाम पर हैं हम, शायद उतने अभी स्ट्रांग नहीं हैं, कमज़ोर हैं। तो कोई ऐसा मंत्र की साधना है जिसे हम अपने आप को फिलहाल प्रोटेक्ट कर पाएँ और फिर धीरे धीरे और मजबूत होते जाएंगे? सुलेमानी पत्थर होता है छोटा सा एक, तो उस पत्थर को धारण करना छोटे बच्चों को, 15-14 साल तक के बच्चों को बहुत बड़ा लाभ देता है। कुछ ना भी करें तो ऐसी स्थिति नहीं सताती है। दूसरा दोस्तों, हनुमान दादा की पूजा करना, उपासना करना, पीछे आपको बताया है, उससे बहुत लाभ मिलता है। अगर आपको पूर्ण रूप से सुरक्षा कवच चाहिए तो आप देवी कवच जो दुर्गा जी का है, उस घी का दीपक जलाएं, तेल का दीपक जलाएं, तो देवी कवच का पाठ करें रोज, उसको 7-8 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते हैं। तो कवच का पाठ करने से 7 मिनट पाठ कर लें, 7 मिनट ध्यान कर लें, तो आपको पूर्ण रूप से सुरक्षा कवच आपके इर्द गिर्द बन जाएगा। तो आपका जो सूक्ष्म शरीर है वो स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा, तो आप किसी भी ऐसी स्थिति में नहीं पड़ेंगे। अगर आपको मुश्किल लगता है तो संस्कृत वाला ही दोस्तों देवी कवच करना चाहिए, जो संस्कृत में है उसी को करें। अगर मान लो आपको ये चीज़ मुश्किल लगती है तो श्री सिद्ध कुजका स्तोत्रम का पाठ करें, वो पाठ भी पूर्ण रूप से पूर्ण फल देने वाला है, उसको 2-3 मिनट से ज़्यादा एक पाठ को नहीं लगेंगे आपके। फिर भी मान लो ये भी मुश्किल लगता है तो फिर जो निवारण मंत्र है, माँ दुर्गा जी का बीज मंत्र है, उसका जाप करें। पर आपको इस कार्य के लिए करना है तो ओम एम हरीम कलीम चामुंडा विचे का जाप करें, ओम जरूर लगाएं, और दीपक के सामने बैठ करके करें, आंख बंद करके जहां पे ध्यान करें और मंत्र का जाप करें, ध्यान करें, और मां से आशीर्वाद लेके सुबह निकलें। सोने से पहले भी करें, सुबह उठने के पश्चात भी करें, और करने के पश्चात बच्चों को टच करें, बच्चों को स्पर्श करें, जल रख लें थोड़ा सा, उस जल को पिएं, बच्चों को पिलाएं, घर में छींटा दें, इससे भी आपकी रक्षा होगी। और ये रक्षा के लिए प्रेत बाधा से नहीं होगी, आपकी नेगेटिव थॉट्स से रक्षा होगी, नेगेटिव विचारों से रक्षा होगी, कोई तंत्र मंत्र कर रहा होगा उससे रक्षा होगी, नज़र दोष से रक्षा होगी, एक्सीडेंट से रक्षा होगी, बीमारियों से रक्षा होगी। और दूसरा, कन्नुप्रिया तुलसी जी के पेड़ घर में जरूर लगाने चाहिए। तुलसी जी की शक्ति ऐसी है, उसके अंदर से जो रेजेज निकलती हैं ऐसी हैं, जो कीटाणुओं से विषाणुओं से रक्षा करती हैं, बीमारियों को रोकती हैं, और साथ में नेगेटिविटी को घर में घुसने नहीं देती। इसीलिए घर के बाहर ये परंपरा थी हमारे देश में कि तुलसी जी का पेड़ लगाते थे, उसकी रोज पूजा करते थे। तो तुलसी जी बहुत बड़ी मदद करती हैं, घी का दीपक जलाना भी ऐसी स्थिति में बहुत बड़ी मदद करता है। अगर संभव है, आप कर सकते हैं, तो शंख ध्वनि करें घर में। तो शंख ध्वनि है, ऐसी मान्यता है कनुप्रिया कि जहाँ तक शंख की आवाज़ सुनाई देती है वहाँ वहाँ पे नेगेटिविटी नष्ट होती है। शंख ध्वनि करने से कितनी बीमारियाँ ठीक होती हैं और कितने विषाणु कीटाणु मरते हैं और नेगेटिविटी घुस नहीं पाती। भूत प्रेत तो बहुत दूर की बात है, नेगेटिव थॉट्स नहीं घुस पाते।